हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है, देखिए सुनिए। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। हमको 0.9999 डॉट डॉट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P अपान क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या तुम अपने आंसर से सरप्राइज हो? डिड योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.999 डॉट डॉट को क्या करेंगे, P अपान क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर को एक्सप्रेस करना वो नंबर राइट करिए, 0.9999 डॉट डॉट। अगर हम देखें 0.9999 इसके जगह पे, इसके प्लेस पर हमने देखा था कभी भी, इसके पहले भी हमने देखा था कि 0.1818 ऐसे आता था, हम लिख सकते थे 0.18 का बार, ऐसे लिखते थे, राइट करते थे। सेम वही करना है, 0.9999 यानी 0.9999 डॉट डॉट है, तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं 0.9 का बार इक्वल 0.9999 डॉट डॉट, राइट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, राइट करते थे, बहुत आसान था, है ना, ये राइट करते थे, राइट कर लिया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट यस इक्वल 0.9999 डॉट डॉट। इसको इसलिए इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जिससे हमें ये पता चले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। जरूरी नहीं था इसको इस तरह से करना, पर हमें ये जानना था कि मल्टीप्लाई किससे करें। इस वजह से हमने क्या किया कि इस पे बार लगाया कि देखते हैं कि बार लगाने के बाद कितने डिजिट मिलती है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसको किया, ठीक है? जरूरी नहीं है आप लोग इसको करिए। ये आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है जिसके ऊपर बार लगी है वो 1 डिजिट है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, बोथ साइड, ठीक है? अब चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, 10 इयर्स इक्वल 10 इनटू 0.9999 डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10 इयर्स इक्वल। अब देखिए कितने कितने जीरो है इसमें, 1 जीरो है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल क्या होगा, 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट। इक्वेशन हो गया कौन सा, सेकंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते क्या थे कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते थे, सेम वैसे ही करेंगे। लिखेंगे क्या, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बी है। तो अब चलते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि सब्सट्रैक्ट करने पे मिलता क्या है हमें। तो हम चलते हैं, पहले इक्वेशन सेकंड को राइट करिए, क्योंकि हमें सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना, तो जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना होता वो पहले राइट करते हैं। तो करिए 10 इयर्स इक्वल 9.9999 डॉट डॉट, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट राइट करिए, तो ये हो जाएगा यस इक्वल 0.9999 डॉट डॉट। अब चलते सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 में से यक्स माइनस करिए, यानी 1 यक्स है, जहां पे यक्स है मतलब 1 यक्स है, ठीक है? तो 1 यक्स माइनस करिए तो 9 यक्स आएगा आपका, ठीक है? तो ये इक्वल हो जाएगा, 9 में से 0 गए 9, बाकी पॉइंट 9 में से 0 0 यानी 0 0 0 आएगा, तो इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। मींस ये हो जाएगा आपका यक्स इक्वल 9 में 9, इधर 9 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो अपान 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी यस इक्वल हो गया 1, और 1 को 1 अपान 1 भी लिखा जा सकता है, तो ये हमारा पी
वन क्योंकि फॉर्म में हो गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस इक्वल वन हो गया। हमेशा याद रखिए, जैसे ये तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। कभी भी अगर कहीं पर भी बार लगाए, किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगाए, तो अगर हम उसमें डिवाइड कर दें उसको किससे, अगर हम उसे 9 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें, तो बार हट जाता है। याद रखिएगा, नोट पॉइंट में चाहे से नोट कर लीजिए कि बार हटाने के लिए 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो बार क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 0.3, अगर यहाँ पे पॉइंट को हटाना हो तो अपॉन 10 कर देते हैं, है ना, 0.03। तो यहाँ पर अगर पॉइंट को हटाना है तो जितने जो है डेसिमल होगा उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं। सेम वैसे ही याद रखिएगा कि अगर बार लगा होगा तो बार को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते हैं, 9 से, और 9 से डिवाइड करने पे क्या होता है, बार हट जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। सबसे पहले अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन में इसको क्या करना है, परफॉर्म करना है और बताना है कितने डिजिट्स हैं ब्लॉक में, कितने डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले बहुत ही इजी है, 1 को 17 से डिवाइड करिए और जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और बहुत ही इजी है, बहुत इजी मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोगों को डिवाइड आता होगा। चलिए डिवाइड करते हैं, सबसे पहले राइट क्या करेंगे, सॉल्यूशन राइट करने के बाद हमने क्या कहा आपको कि डिवाइड करना है 1 को 17 से, मीन्स जो नीचे होता है वो बाहर की तरफ होता है, जो ऊपर होता है वो अंदर की तरफ होता है, यही तो बोला था। ये हो गया सबसे पहले, अभी तो डेसी जाएगा नहीं नंबर, 0 टाइम्स करते हैं ये हो जाएगा 10, तो 17 अभी भी नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे। अब 0 लगाएंगे, 17 का टेबल पढ़िए कि 17 का टेबल पढ़ने पर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 5 जा 85 हो गया। अब यहाँ 10 में से 5 हो गया, यहाँ 9 में से 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 150। 17 का टेबल पढ़िए कि आपका 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 1 जा 17, यानी कितने टाइम्स पढ़ोगे आप लोग, 17 8 जा 136। अब फिर चलिए इसको डिवाइड करके हम लोग, सॉरी इसको सब्सट्रैक्ट करिए, 10 यहाँ पे कितना आया, 1 पहले लिए बना 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4। अब यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ हो गया 0। फिर कितने टाइम्स जाएगा, फिर वही 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 टाइम्स ले चलेंगे, फिर कितना 136 हो गया। 10 में से 6 माइनस करिए तो कितना आएगा 4, बाकी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 0 लिखेंगे। 17 का टेबल पढ़िए कि 17 का टेबल पढ़िए अब आप कि जो है आपका 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 2 जा 34 हो गया, यहाँ कितना आया 6, 10 में से 4 गया 6 हुआ, 3 में से 3 कुछ नहीं 0। अब 17 का टेबल पढ़िए कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 का टेबल पढ़िए 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 3 जा 51 हो गया, तो अब आपका कितना हो गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 5 में से 5 गया कुछ नहीं 0। 17 का टेबल पढ़िए अब आप कि आपका 17 का टेबल पढ़िए कि 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 5 जा 85 हो गया, बचा कितना 5, यहाँ 8 में से 8 गया कुछ नहीं यानी 0। फिर चलते हैं आगे, 17 2 जा 34, यहाँ हुआ 10 में से 4 गया 6, यहाँ हुआ 5,
10। अब कितने टाइम से लेंगे हम लोग 160। 17 का टेबल पढ़िए, 160 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 17 का टेबल पढ़िए, 160 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 17 9 जा 153। 17 9 जा 153। तो ये आपका हो गया, आएगा कितना 10 में से 3 गए, 7 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यानी 7 हो गया, 3 कितना आ जाएगा आपका 70 बन जाएगा, है ना। कितना बनेगा आपका 70, तो यहाँ पे लिखते हैं 70। अब जो है आप टेबल पढ़िए कि आप जो है 17 की टेबल पढ़िए कि ये 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 70 से ज्यादा नहीं होना, 70 का टेबल पढ़िए। 74 जा कितना होता है, 74 जा 68 हो जाएगा आपका ना। तो यहाँ हुआ 10 में से 8 गए 2 ना, और यहाँ 6 में 6 कुछ नहीं है 0, तो 17 बन जा 17। अब फिर कितना हुआ, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ कुछ नहीं होगा 0। फिर टेबल पढ़िए 17 2 जा 34, यानी 17 बन जा 17। यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ 2 में से 1 गए 0, सॉरी 1 और 0, यहाँ पर 0 आ गया 130। 17 का टेबल पढ़िए, 130 से ज्यादा ना हो। तो 17 का टेबल अगर हम पढ़े तो 17 7 जा, है ना, 17 7 जा 119। 17 7 जा 119 हो गया। 10 में से 9 गए 1, और यहाँ बना 2 में से 1 गए 1, यहाँ कितना हो गया 110। 17 का टेबल पढ़िए अब आप कि 110 से ज्यादा ना हो। तो 17 6 जा, है ना, 17 6 जा 102। 17 6 जा 102। 10 में से 2 गए 8, 0 में से 0 कुछ नहीं, 0 में से 1 में, यहाँ मतलब 1 में से 1 कुछ नहीं, यहाँ बनेगा 0, 80। 17 का टेबल पढ़िए, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 4 जा 68। तो ये हो गया 10 में से 8 गए 2, यहाँ बना 7 में से 6 गए 1, 0। फिर 17 का टेबल पढ़िए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 17 7 जा 117 जा 119। फिर 1 आ गया, यानी अब देखिए आप कि जो है फिर से हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। अगर अब अभी फिर हम आगे करते जाएंगे तो ये 0 बनेगा, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर यहाँ 0 बनेगा, 100 होगा, फिर 5 टाइम चलेंगे, फिर वही होगा, है ना, रिपीट होगा। तो आपके इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यह हो गया क्या आपका आंसर, काउंट कर लीजिए चाहे आप। और इसके ऊपर याद रखिएगा, बार लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब इसके रिपीट हो रहा है ना, अब ये इसके आगे ऐसे से रिपीट होगा, जिसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम लोग 16 स्टेप चले, तो ये 16 है, तो कितने ब्लॉक हुए, 16 ब्लॉक हुए। डेसिमल एक्सपेंशन अगर 1/17 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर हुआ 5 कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके लिए आप पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।